कैसे हो आप सभी? आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 ब्यूटी हैक्स। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे नंबर वन हैक हमारा ये है, अगर आपको हाईलाइटर लगाना है चीक बोन्स पे, यानी आपको मन करता है कभी मेकअप करने पर, अगर आप चाहते थोड़ा सा आपके लिए चीक बोन्स से थोड़े शाइनी लगे, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास आई शेडो पैलेट तो होगा। तो ये मेरा पुराना वाला आई शेडो पैलेट है, टूट चुका है वैसे, तो इसमें एक ये वाला कलर हमेशा होता है न्यूट कलर का ये। हाँ, तो आप इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपको एक कॉटन लेना है, इस तरीके से आपको अपनी चीक बोन पर लगाना है, तो एज अ हाईलाइटर की तरह काम कर सकता है। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एक तरीके से यहाँ पे जहाँ पे हाईलाइटर लगता है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आई शेडो पैलेट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको फुल मेकअप चाहिए कि आपको हाईलाइटर लगाना है, कॉन्टूरिंग करनी है। इसमें मेरे पास सारे ही स्पार्कल कलर से, वैसे ब्राइट कलर से, नॉट कि कोई पेल कलर का नहीं है, नहीं तो आप अगर आपके पास पेल कलर का कोई भी ब्राउन कलर, तो आप उसको कॉन्टूरिंग के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक आई लाइनर है और आपको मस्कारा लगाना है, आई लैश को थोड़ा सा और अच्छा दिखाना है, तो उसके लिए आपको मैं बताती हूँ। ये मेरे पास एक ब्रश था पहले, एक ही मेहंदी लगाने के लिए ब्रश यूज़ किया जाता है, पर हम लोगों ने इसे ज़्यादा यूज़ करा नहीं, तो इसलिए फिर मैंने अपने इस चीज़ के लिए यूज़ कर दिया। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपना आई लाइनर लेना है, आई लाइनर को ब्रश में लगाना है इस तरीके से, जितना आप चाहते हो इस तरीके से आपको अपनी आंखों पर लगाना है। आप देख सकते हैं कि मैंने लगा लिया है इस तरफ थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि इस तरफ मेरा थोड़ा सा डार्क लग रही है मेरी आईलैशेस, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी चाहते हैं कि अपने लिपस्टिक को आप थोड़ा सा ग्लॉसी दिखाना चाहते हैं, कि अगर आप टीनेज मेकअप करना चाहते हैं उस तरीके से आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा मेकअप थोड़ा सा शाइनी लगे, यानी लिपस्टिक आपकी थोड़ी शाइनी लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लगा रखा है, किस तरीके से क्या कर रखा है मैंने, यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, अपने पहले लिप्स पे आपको लिपस्टिक लगानी है, उसके बाद सबके पास एक लिप बाम तो ये ऐसा वाला होता ही होगा, इसको ये जो थोड़ा शाइनी होता है तो उसको आपको अपने लिपस्टिक के ऊपर लगा लेना है। इससे क्या होगा, आपकी जो लिपस्टिक है थोड़ी सी ग्लॉसी लगे एंड आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लगेगा। अगला हैक मेरा ये है कि आपका अगर आपके पास जूड़ा पिन नहीं है, आर्टिफिशियल जूड़ा पिन नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं होम मेड बनाने के लिए, तो इसके लिए आपको जैसे हमारे घर में बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें रहती है, लाइक फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो इस तरीके से मेरे पास भी रबर बैंड पे मेरे ये दो टाइप के फ्लावर्स लगे हुए थे, इनको मैंने अलग डिटैच कर लिया एंड उसके बाद जो मेरे पास ये जूड़ा पिन थी इसके साथ मैंने इसको इस तरीके से अटैच कर लिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने जूड़ा को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने इसकी एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो हेयर स्टाइल वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाइए, इस डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रखी है, अभी चेकआउट कीजिए। मैंने इसका 7 हेयर स्टाइल बताया, एलिगेंट एंड स्टाइलिश, जो आजकल आप बहुत ज़्यादा यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक मेरा ये है कि अगर आप चाहते हैं आपके पास फाउंडेशन नहीं है और आपकी मम्मी जो है आपको फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं दिलाना चाहती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास बस एक फेस पाउडर तो होगा। फेस पाउडर के लिए आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा रखा है, यहाँ पे आपको किस तरीके से करना है, पहले आपको अपने फेस से आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लीजिए, थोड़ा सा वेटी हो, जो थोड़ा सा क्या हो ऑयली हो, इससे क्या होगा जब हम इसके ऊपर जब फेस पाउडर लगाएंगे तो बहुत अच्छे से वो क्या हो जाएगा, हमारे स्किन पे बिल्कुल अटैच हो जाएगा अच्छे से। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन का यूज़ किया क्योंकि बहुत ऑयली होती है, तो मैंने पूरे फेस पे ग्लिसरीन लगा लिया है, उसके बाद मैंने फेस पाउडर का यूज़ किया और अपने फेस पाउडर को मैंने किस तरीके से उस पर लगा लिया, और मैं आपको बता देती हूँ ये सिर्फ 2 या 3 घंटे तक बहुत ज़्यादा अच्छे से अटैच रहेगा आपका जो फेस पाउडर है आपके फेस पे, यानी बिल्कुल एज अ फाउंडेशन की तरह वर्क करेगा। आपने इस तरीके से यूज़ किया, इससे आपके फाउंडेशन खरीदना भी नहीं पड़ेगा और आपका फेस पाउडर आपके बहुत अच्छे से काम आ जाएगा। कि
यहाँ पे आप देख रहे होते हो कि मैंने अपने प्रीवियस सेट में आपको बताया था कि आप इस तरीके से फाउंडेशन लगा सकते हैं, तो उसी में आपने देखो मैंने यहाँ पे कॉटन का ज़्यादा यूज़ किया। तो जैसे कि मैं जैसे आता है हमारे फेस पाउडर में जैसे कि लगाने के लिए आपके पास, अगर आप इस मेरे पास इसका फेस पाउडर था तो फेस पाउडर में कॉटन पैड दिया जाता है लगाने के लिए मेकअप को, बट अगर आपके पास मेरा कॉटन पैड जो था वो ख़राब हो गया था तो इस कारण मैं क्या यूज़ करती हूँ, कॉटन। तो अगर आपके पास मेकअप करने के लिए कुछ भी नहीं है, एज लाइक ब्रश नहीं है, फ्लैट ब्रश नहीं है, या ब्रूश लगाने के लिए कोई ब्रश नहीं है, कॉन्टरिंग के लिए कोई ब्रश नहीं है, तो आप सीधा एक अच्छा इजी यूज है इसका, कॉटन का यूज़ कीजिए। कॉटन से एक अच्छे से एक तो ब्लेंड हो जाएगा, प्लस आपका बजट भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो कैसे लगे आपको मेरे ये सारे हैक्स? अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।